अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है जिसमें हम क्लास 3 की मैथ्स यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इस मेजरमेंट में हमें पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले मेजरमेंट को किस तरह पढ़ते हैं, किस तरह लिखते हैं, किस तरह उसकी एडिशन होती है और हमारे जो लेंथ की शॉर्ट फॉर्म्स हैं हम उनको किस तरह मतलब शॉर्ट फॉर्म में किस तरह पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले किलोमीटर, हमारा किलोमीटर स्टैंड्स फॉर के एम, मीटर स्टैंड्स फॉर एम और सेंटीमीटर स्टैंड्स फॉर सी एम। जैसा कि ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें याद भी होना चाहिए कि एक किलोमीटर जो है हमारा वो 1000 मीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसी तरह 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ मीटर्स और किलोमीटर्स पे कि हम किस तरह किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि 5 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो शॉर्ट फॉर्म यूज करी है तो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। किलोमीटर स्टैंड्स के एम स्टैंड किलोमीटर स्टैंड फॉर के एम और मीटर स्टैंड फॉर एम, ठीक है। 5 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। जैसा कि 1 किलोमीटर हमारा 1000 मीटर के बराबर होता है तो हमें 5 को मीटर में कन्वर्ट करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 5 × 1000 इज इक्वल टू 5000 मीटर्स, ये हमारा आंसर हो गया। हमें किसी भी किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर में हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारा किलोमीटर हमें आसानी से पता चल जाएगा। इसी तरह हमें मीटर को किलोमीटर में किस तरह कन्वर्ट करना होता है, कन्वर्जन ऑफ मीटर इन किलोमीटर्स। एक हमें क्वेश्चन गिवन है या आप इसको ऐसा ले लें कि कोई ये एक एग्जांपल है, 3528 मीटर्स, ठीक है, 3528 मीटर्स। हमें इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि हमारा जो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है किलोमीटर फाइंड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 किलोमीटर्स के एम 528 मीटर्स, ये ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5B का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है एड द फॉलोइंग कि हम मीटर और सेंटीमीटर को किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल ऐसे ही अपनी वैल्यूज को बिल्कुल ऐसे ही लिखना होगा जैसे हम हमेशा से लिखते आ रहे हैं, 1, 10, 1000, 100 से। और बस हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यूनिट 1000 की जगह पे हमें मीटर और सेंटीमीटर ले देना होगा। इसलिए हमें दिया एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एट द फॉलोइंग, अपनी नॉर्मल एडिशन करनी होगी। 5 + 5 हमारा 10 होता है तो 10 का 0 और 1 हमारा 10, 8 + 2 10, 10 + 1 11, इसी तरह 4 + 1 = 5 और 1 एज इट इज आ गया, यही हमारा इसकी एडिशन का आंसर है इस क्वेश्चन का। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो सारे होमवर्क में आप लोगों को मिल जाएंगे, वो सारे आप लोगों ने होमवर्क में सॉल्व करने। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट दीज मेजरमेंट इन वर्टिकली देन एंड। हमें एक लाइन में एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें हमसे पूछा जा रहा है 5 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर प्लस 18 मीटर और 26 मीटर। हमें वर्टिकली फॉर्म में अपनी लेंथ को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं और किस तरह उसको ऐड कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन हम सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए,
5 मीटर, 16 सेंटीमीटर प्लस 18 मीटर 26 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक बनाएंगे रफ कॉलम, क्योंकि हमें वर्टिकली फॉर्म में ही इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले हम अपना एक रफ कॉलम ड्रॉ करेंगे, और रफ कॉलम ड्रॉ करने के बाद हम अपने इन मीटर और सेंटीमीटर को ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें दो चीजें पूछी जा रही है, मीटर और सेंटीमीटर। तो हम बिल्कुल एज इट इज एक रफ कॉलम में अपना एक ऐसा कॉलम ड्रॉ करेंगे जिसमें हम लेफ्ट राइट हैंड साइड से, क्योंकि हम हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन को अपना स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले अपना सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर के बाद हम लिखेंगे मीटर। हमें यहाँ इन दो एडिशन में जो जो सेंटीमीटर दिए होंगे हम उनको सेंटीमीटर के कॉलम में लिख देंगे। हमारा सबसे पहले है 16 सेंटीमीटर प्लस 26 सेंटीमीटर, 5 मीटर प्लस 18 मीटर, 6 प्लस 6 हमारा 12 हो जाता है, 12 का 2 1 कैरी, 2 प्लस 2 4, 8 प्लस 5 9 10 11 12 13, 13 का 3 और 1 यहाँ। तो हम कैसे लिखेंगे, 23 मीटर्स और 42 सेंटीमीटर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह अपने मीटर और सेंटीमीटर को किस तरह सबसे पहले किस तरह पढ़ा जाता है, इनको अपनी लेंथ को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा जाता है, और दूसरी बात उनको किस तरह से इनकी एडिशन की जाती है। कोई ज़्यादा मुश्किल एडिशन नहीं है, मैथ्स की एडिशन हमेशा से जैसे शुरू से स्टार्ट से आ रही है बिल्कुल वैसे ही है, और एंड तक भी ऐसे ही चलती रहेगी। इसलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अब हमारा एडिशन के बाद हमेशा से आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी हमें क्वेश्चन गिवन है, उसमें कोई इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 22 मीटर्स और 11 मीटर्स, और हमें जो है सेंटीमीटर इसमें से हमें माइनस करना है। तो हम अपने वैसे ही इस एड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कैसे, बिल्कुल उसी मेथड से हमेशा से जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हैं, हम बिल्कुल उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 2, 1 में से क्योंकि हमेशा से 2 नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, 2 से ये हो गया 1 और ये हो गया 11, 11 माइनस 2, 11 में से 2 माइनस हुआ, हमारा क्या रह गया 9, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, हमारा क्या आंसर आ गया 10 मीटर्स और 90 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब फिर हमारा क्वेश्चन है कि हमें जो है वो क्या करना होगा, वर्टिकल फॉर्म में इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। वर्टिकल फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एक और क्वेश्चन गिवन है, 5 मीटर 30 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर और 90 मीटर्स, 5 मीटर 30 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर 90 मीटर। अब हम इसको बिल्कुल उसी फॉर्म में अपना एक रफ कॉलम एक अपने कॉपी के पेज पर ड्रॉ करेंगे, और उस ड्रॉ करने के बाद वैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे जैसे हम हमेशा से करते आए हैं। मीटर में हमारे पास क्या है, 5 मीटर और 2 मीटर, और सेंटीमीटर है हमारा 30 और 90। 0 में से 0 माइनस होते हैं क्योंकि ये कोई
पार जाएगा। 3 में से 9 नहीं जाता, हम 5 से, 5 हो गया 4 और ये हो गया 30, 30 माइनस 9 हमारे पास बचे 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, हमारा आंसर क्या आएगा 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, ये आंसर हमारा है वर्टिकल फॉर्म का। बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क पे दे दिए जाएंगे, उम्मीद है कि आपके समझ में आ जाए, और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।